गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी के इस दौरे से पड़ोसी देश चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन का दावा है कि अरुणाचल उसके दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। इसी के साथ ही उसने भारत से कोई ऐसा कदम न उठाने का आग्रह किया है जिससे सीमा पर सवाल उलझ सकता है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल यात्रा पर तीखा प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उनका देश कूटनीतिक तरीके से भारत के सामने अपना विरोध दर्ज करेगा। जेंग शुआंग ने कहा, भारतीय सीमा को लेकर चीन का पक्ष स्थायी और स्पष्ट है। चीनी सरकार अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देती है। चीन की सरकार ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। यही कारण है कि हम इस विवादित क्षेत्र में भारतीय नेता की यात्रा का पुरजोर विरोध करते हैं। हम भारतीय पक्ष के साथ कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराएंगे। जेंग शुआंग ने भारत और चीन के बीच मेक मोहन रेखा को अस्वीकार करते हुए कहा कि अरुणाचल हमेशा से ही चीन का क्षेत्र है। गौरतलब है कि चीन हर बार भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे का विरोध करता है। जानकार समझते हैं कि चीन भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए ये कदम उठाता है।